जी मैं तमाम तर बर्ड लवर को भी और जिन्होंने बर्ड्स रखे हुए उन सबको दावत दूंगा कि आप लोग आएं और आके इस बर्ड शो का हिस्सा बने। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुलेमान सज्जाद हुसैन है। मैं कराची जूलॉजिकल गार्डन में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की हैसियत से काम कर रहा हूं और इवेंट्स के काम भी सारे मैं देखता हूं सोशल मीडिया के हवाले से। अभी हमने कराची चिड़ियाघर में एक फ्लावर शो किया था और उसके फ़ौरन बाद हम 25, 26 और 27 फरवरी को कराची सफारी पार्क में बर्ड शो करने वाले हैं। तो जो लोग जिन्होंने अपने घरों में परिंदे पाले हुए हैं और वो चाहते हैं कि वो इस बर्ड शो में हिस्सा लें तो बिल्कुल आएँ जी। हमारा कराची जूलॉजिकल एंड बॉटनिकल गार्डन के नाम से फेसबुक पे पेज है और कराची चिड़ियाघर में आके वो अपने जो है एंट्री करा सकते हैं, अपने बर्ड्स की एग्जीबिशन की एंट्री करा सकते हैं ताकि हम उनको काउंटर अलाट करें और वो 25, 26 और 27 तारीख को हमारे बर्ड शो में हमारे साथ शामिल हो सके। देखिए जी, कराची शहर में जो है वो तफरी की चीज़ें कम होती जा रही हैं, तो केएमसी ने और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मोहतरम जनाब बैरिस्टर मुर्तजा वहाब साहब, म्यूनसिपल कमिश्नर अफजल जैदी साहब ने ये एक बहुत बड़ी कोशिश की है कि कराची वालों को कुछ अच्छी चीज़ें देखने के लिए मिलें। केएमसी क्योंकि बहुत सस्ता इदारा है, हमारा जैसे चिड़ियाघर जो है इसके भी टिकट्स बहुत कम हैं, सफारी पार्क के भी टिकट्स बहुत कम हैं, तो एक सस्ता, एक गरीब आदमी जो है वो आराम से अपनी फैमिली के साथ घूम सकता है। तो एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब साहब और अफजल जैदी साहब की ये कोशिश है कि इस तरह के इवेंट्स कराची के मुख्तलिफ पार्कों में, सफारी में, जू में होते रहें ताकि लोगों को एक सस्ती तफरी मिल सके। जी मैं तमाम तर बर्ड लवर को भी और जिन्होंने बर्ड्स रखे हुए उन सबको दावत दूंगा कि आप लोग आएँ और आके इस बर्ड शो का हिस्सा बने, अपने बर्ड्स लाके इसमें एग्जिबिट करें ताकि लोग देख सकें कि आप लोगों ने कौन कौन से बर्ड्स पाले हुए हैं। सर 25 तारीख, 26 तारीख और 27 फरवरी, 25, 26, 27 फरवरी को कराची सफारी पार्क में ये बर्ड शो होने वाला है।